आज के हालात हाजरा के तहत जबकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में धमाल मचा रखी है, ऐसे में नहीं लगता है कि हमने सच्चाई से राह फिरार इख्तियार कर रखी है? ये गलत है, गलत है, गलत है। हदीस की एक बड़ी किताब मुस्लिम शरीफ, जिसमें एक रिवायत है कि कबीला बनू सकीफ में से कुछ लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की गर्ज से आए, यानी बैत करने के लिए आए, जिसे हम शेक हैंड कहते हैं। उनमें से एक शख्स जिसे मुतादी बीमारी यानी मोहलिक बीमारी थी, जिसे कॉन्टेजियस डिजीज यानी संक्रमक रोग कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मुलाकात नहीं की। कान फी वफद सकीफ रजुल मजजूम फअरसल इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कद बायअनाका फाजिर। आपने उस शख्स से कहा, हमने तुम्हारे आने को कबूल किया और तुम्हारी मुलाकात से खुश हुए, यानी बैत को हमने कबूल कर लिया, लिहाजा तुम लौट जाओ, अपने घर की तरफ लौट जाओ। हाथ मिलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मगर ऐसे वक्त में हाथ नहीं मिलाना सुन्नत है। गौर तलब बात यह है कि कोरोना ऐसी बीमारी है कि जिसकी 10-15 दिनों के बाद निशानियां जाहिर होती हैं, ऐसे में किसी के अंदर वायरस हो मालूम नहीं हो सकता। बेहतर है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ला यूरिदु मुमरिदुन अला मुसह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमार सेहतमंद आदमी से मुलाकात न करे, यानी बीमार को पेश न करो सेहतमंद शख्स के सामने। ये अहकाम उस वक्त के लिए हैं कि जब बीमारी फैलने वाली हो। ये थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन कि घर से न निकलना जब कभी फैलने वाली बीमारी जाहिर हो जिससे मौत आ सकती हो। मजीद फरमाया, फलैसा रजुलुन यकुत्ताउन फयुमकितु फी बैती, कि ऐसी सूरत में अगर कोई अपने घर में बैठा रहा सब्र के साथ मुहतसिबन, इस नियत के साथ सवाब मिलेगा। ऐसे वक्त में मस्जिद जाएंगे तो ज्यादा सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि घर पे रहकर नमाज पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। यालमु अन्नहु ला युसीबु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु, इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि उसका ईमान कमजोर है। ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे यकीन है कि वही होगा जो अल्लाह ने लिखा है। घर में बैठना ही एहतियात है और इसमें अजर व सवाब है। इल्ला काना लहू मिथ्लु अजर शहीदिन, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को घर बैठे शहीद का दर्जा देगा, उसे बीमारी लगे न लगे। आज के हालात के मद्देनजर आने वाली मोहलिक बीमारी के आसार गले में महसूस हो रहे हो, छींक आ रही हो, गर्जे के बीमारी के सारे सिम्टम्स मौजूद हो, और फिर कोई डरा हुआ हो कि अगर हुकूमत को खबर हुई तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन में डाल दिया जाऊंगा और घर वालों से अलग कर दिया जाऊंगा, तो ऐसा शख्स बीमारी को फैलाने का सबब बन जाएगा और ये जुर्म है, गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज इस बात की इजाजत नहीं दी कि आदमी बीमार हो, लोगों से छुपा फिरे और घर में बैठा रहे। ऐसे ही मौके से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अला नतदावा, ए अल्लाह के रसूल, बीमार होने पे हमें इलाज न करें, बस बैठे रहें? قال نعم يا عباد الله تداووا, फरमाया, अल्लाह के बंदो फौरन इलाज किया करो। लिहाजा अगर किसी के अंदर ऐसी कैफियत मौजूद हो और वो घर बैठा रहे, इलाज के लिए डॉक्टर्स और हुकूमत के अमले से रुजू न करे, तो वो तमाम घर वालों को, मजीद मिलने जुलने वालों को कोरोना वायरस गिफ्ट की शक्ल में दे देगा, खुद भी मरेगा दूसरों को भी मारेगा। लिहाजा ऐसा सोचना हुकूमत के कानून के तहत जुर्म अजीम है। गैर महसूस तरीके से हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे वाली बात हो जाएगी जनाबे वाला। अल्लाह हमें पक्की और सच्ची समझ अता फरमाए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचाए।